बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास ऑफ फर्स्ट ईयर। वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 3 एंड टुडे वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस एंड हाउ वेरियस गैस लॉज आर ड्राइव्ड फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। आइए मोहम्मद सलमान जमील, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के रेफरेंस से बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आज के टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि हम अंडरस्टैंड करेंगे काइनेटिक थ्योरी के अजम्पशंस क्या हैं, देन वेरियस टाइप ऑफ वेलोसिटीज जैसे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है या मीन स्क्वायर वेलोसिटी है उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम काइनेटिक थ्योरी से ही गैस लॉज हैं उनको ड्राइव करेंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह को, और देन जो है वो हम इसे काइनेटिक थ्योरी से ही इंटरप्रेट करेंगे टेम्परेचर को, और बोर्ड के पास पेपर्स जो हैं उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जी इंट्रोडक्शन है काइनेटिक थ्योरी का कि क्यों हमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की ज़रूरत पड़ी। हमने ऑलरेडी गैसेस का बिहेवियर डिस्कस किया है, यानी टेम्परेचर, प्रेशर या मोल्स का जो है क्या इफेक्ट है वॉल्यूम ऑफ गैस पे, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। दैट वाज क्वालिटेटिव एनालिसिस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल बर्नौलीज एक साइंटिस्ट था जिसने काइनेटिक थ्योरी को पुट फॉरवर्ड किया था, ठीक है, बेसिस दी थी आप कह लें। क्लैशियस ने फिर इस उन बेसिस को यूज करते हुए इक्वेशन ड्राइव की थी। इक्वेशन की डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, आप इसको या तो बीए हायर लेवल्स में पढ़ेंगे या फिजिक्स में फर्स्ट ईयर के चैप्टर 11 में पढ़ सकते हैं। देन मैक्सवेल ने जो है वो लॉ ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया कि डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटीज होती हैं, जैसे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या मीन स्क्वायर वेलोसिटी वगैरह। और देन जो है वो बोल्ट्जमैन ने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया दिया कि सबकी एनर्जी एक जैसी नहीं बल्कि एनर्जी भी मॉलिक्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे काइनेटिक थ्योरी के अजम्पशंस क्या हैं। पहला अजम्पशन था कि एवरी गैस कॉन्सिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल। सारी गैसें छोटे टाइनी पार्टिकल्स से बनी हुई हैं, उन टाइनी पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब आमतौर पर मॉलिक्यूल डाई या ट्राई एटॉमिक होते हैं, जैसे H2O2N2 वगैरह या O3 वगैरह, लेकिन गैसेस जैसे नोबल गैसेस हैं उनके मॉलिक्यूल्स मोनोटॉमिक हैं, यानी उनके मॉलिक्यूल में एक एटम भी हो सकता है, क्योंकि मॉलिक्यूल की डेफिनेशन चैप्टर 1 में पढ़ी थी दैट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। हीलियम, नियॉन, आर्गन जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। सेकेंडली मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस मूव हैपहैज़र्डली। हैपहैज़र्डली मतलब बेतरतीबी अंदाज से रेंडम मोशन करते हैं, कोलाइडिंग अमंग देमसेल्व्स आपस में भी कोलाइड करते हैं, एंड विद वॉल्स ऑफ कंटेनर और बर्तन की वॉल्स के साथ भी, एंड चेंज देयर डायरेक्शन। देखिए जब तक मॉलिक्यूल सीधा मूव कर रहा है, किसी से कोलाइड नहीं कर रहा, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। जब वो कोलाइड करेंगे चाहे आपस में चाहे बर्तन की वॉल से, तो फिर वो क्या करेंगे, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। थर्ड अजम्पशन हमारे पास जो है बेटे द प्रेशर एग्जर्टेड बाय। बेटे प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर एरिया। जब मॉलिक्यूल वॉल से स्ट्राइक करेगा तो वॉल का एरिया है, और मॉलिक्यूल स्ट्राइक करने पे उस पर क्या लगाएगा, फोर्स। तो फोर्स पर एरिया को क्या बोलेंगे, प्रेशर। कोलिजंस अमंग मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन आपने फिजिक्स में पढ़ा है, ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वड होते हैं। कंजर्वड से क्या मुराद है बेटे, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम क्या रहें, सेम रहें, ऐसे कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन का नेम देते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर एंड देयर आर सफिशिएंट एम्प्टी स्पेसेस। देखिए आप परफ्यूम स्प्रे करते हैं, फ्रेग्रेंस, आप बहुत थोड़ी क्वांटिटी स्प्रे करते हैं लेकिन फुल रूम में स्प्रेड कर जाती है। जब फुल रूम में स्प्रेड कर गई, इसका क्या मतलब है कि उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस ज़्यादा हैं, वो एरिया सारा कवर करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है बेटे देयर हैव नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फॉर ईच अदर। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ना होती तो कोई भी गैस कभी भी लिक्विड में चेंज ना होती। इसका मतलब है, ये अजम्पशन बाद में प्रूव हुआ कि रॉन्ग है। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। देखें आपने, मैंने पहली एग्जांपल ली परफ्यूम की, आपने स्प्रे क्वांटिटी थोड़ी की, बहुत थोड़ी सी, और पूरा रूम ऑक्यूपाई हो गया, तो रूम के लिहाज से क्वांटिटी ऑफ जो स्प्रे या गैस है वो बहुत थोड़ी है। इट मींस एक्चुअल वॉल्यूम थोड़ा है, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, और आप ऑक्यूपाइड के लिहाज से एक्चुअल को इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास द मोशन इम्पार्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स टू द मॉलिक्यूल्स बाय ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल। ग्रेविटी क्या होती है, वो फोर्स जिससे अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है।
अगर ग्रेविटी की फोर्स इफेक्टिव होती तो गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर में सेटल डाउन होते। इसका मतलब है ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है। फिर इफेक्ट किस चीज़ का है? इफेक्ट है कॉन्टिन्यूड कोलिजंस का, तो उनकी जो बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही है वो कोलिजंस की वजह से हो रही है। नेक्स्ट है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वेरीज डायरेक्टली टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर में रिलेशनशिप क्या है? डायरेक्ट है, मतलब जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। ये अगेन प्रेशर को डिफाइन किया हुआ है कि फोर्स पर एरिया होता है। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि गैस के मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करते हैं, वॉल्स ऑफ कंटेनर से स्ट्राइक करते हैं, जब वो स्ट्राइक करेंगे तो फोर्स लगाएंगे और फोर्स पर एरिया को प्रेशर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेटे कि मीन स्केयर वेलोसिटी और रूट मीन स्केयर वेलोसिटी क्या होती है। ये काइनेटिक इक्वेशन है, पी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी स्केयर बार। पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एम मास है, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और सी स्केयर बार मीन स्केयर वेलोसिटी है। एक्चुअली तो वेलोसिटी को वी से लिखते हैं लेकिन वॉल्यूम भी वी से है, वेलोसिटी भी वी से लिखेंगे तो कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए सी से लिख दिया, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट सी से भी लिखी जाती है, तो उसी से यहाँ ये सी जो है वो वेलोसिटी के लिए यूज़ किया गया। इक्वेशन की डेरिवेशन सिलेबस का पार्ट नहीं है, हम जस्ट एंड रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं। डेरिवेशन जो है वो फिजिक्स के चैप्टर 11 में आप करेंगे या हमारी केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री के हायर लेवल्स में करेंगे। मीन स्केयर वेलोसिटी कैसे निकाली है? क्योंकि मैक्सवेल ने कहा था कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है, सारे मॉलिक्यूल्स की एक जैसी वेलोसिटी नहीं है, तो किया ये गया कि सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज को स्केयर किया गया और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई किया गया। C1 मॉलिक्यूल्स हैं जिन C1 वेलोसिटी है N1 मॉलिक्यूल्स की, C2 N2 की, C3 N3 की, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर दिया गया। तो ये मीन स्केयर वेलोसिटी, मीन क्योंकि एवरेज ले रहे हैं और स्केयर वेलोसिटी की एवरेज ले रहे हैं इसलिए मीन स्केयर वेलोसिटी। रूट मीन स्केयर वेलोसिटी कैसे निकलेगी? कि आप क्या करेंगे, स्केयर रूट ले लेंगे दोनों साइडों का। जब आप स्केयर रूट ले लेंगे तो इसे हम कह देते हैं रूट मीन स्केयर वेलोसिटी और इसका फॉर्मूला है 3RT ओवर कैपिटल एम, यानी रूट मीन स्केयर वेलोसिटी और टेम्परेचर में डायरेक्ट और मोलर मास में इनवर्स है, जबकि R क्या है, गैस कांस्टेंट है, आइडियल गैस कांस्टेंट है। ये यहाँ पे बताया हुआ है कि इनमें रिलेशन क्या है। यहाँ जो नई चीज़ है कि CRMS को रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कह देते हैं क्योंकि इनका आपस में भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ये दो MCQs हैं इससे रिलेटेड। विच गैस हैज मैक्सिमम CRMS एट सेम टेम्परेचर? किस गैस की CRMS वैल्यू मैक्सिमम होगी? जाहिर है जिसका मोलर मास सबसे कम होगा, क्योंकि आपने कहा इनवर्स रिलेशनशिप है मोलर मास के साथ। तो सबसे कम मोलर मास देखें, इसका 32, इसका 28, इसका 2 और इसका 4 हाइड्रोजन का आंसर विल बी हाइड्रोजन। विच हैज मिनिमम CRMS, तो जिसका मोलर मास सबसे ज्यादा होगा 32, 28, 44, 64, सबसे ज्यादा इसका है तो ये होगा। शॉर्ट क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड आए हुए हैं, एनी फोर अजम्पशन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, कोई से चार लिखते हैं। व्हाई गैसेस डू नॉट सेटल डाउन इन कंटेनर? तो दो रीजन है बेटे इसमें जो मेन है। एक तो गैसेस की डेंसिटी लो होती है इसलिए ये कभी भी सेटल डाउन नहीं होते, दे टेंड टू राइज अपवर्ड्स, हमेशा ऊपर की तरफ उठते हैं। सेकेंडली जो काइनेटिक थ्योरी का अजम्पशन था कि ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लिजिबल है, अगर ग्रेविटी का इफेक्ट होता तो वो मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करके डाउनवर्ड ले जाते और सारे मॉलिक्यूल सेटल डाउन हो जाते, क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट ही नहीं है इसलिए मॉलिक्यूल सेटल डाउन नहीं होते। अब हमने बिटिन से ड्राइव करने हैं गैस लॉस। देखिए हमें पता है काइनेटिक थ्योरी का सेकेंड लास्ट अजम्पशन था कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ MV², क्योंकि वेलोसिटी को हमने C² बार से लिखा है, तो एक मॉलिक्यूल के लिए हाफ MC² बार, और अगर मॉलिक्यूल 2 होंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, n होंगे तो n से मल्टीप्लाई करके ये काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन बन जाएगी। इसका मतलब है हाफ MNC² बार इज इक्वल टू KT। प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म की, कॉन्स्टेंट K लग गया और T ऑलरेडी था एक्सप्रेशन में और काइनेटिक एनर्जी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी गई। काइनेटिक इक्वेशन थी PV = 1/3 MNC² बार। फिर देखें तो ये दोनों इक्वेशन बजाहिर तो सेम ही है, डिफरेंस 1/3 और 1/2 का है,
तो अगर हम इसमें किसी तरह 1/2 क्रिएट कर लें, ये मैट्रिक में मैथ्स में एक क्वेश्चन था, हम अपने पास से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं राइट साइड पे, ठीक है। तो हम पहले डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई अभी नहीं करते, यानी 1/3 को बाहर ले आएंगे और इधर से 1/2 को अंदर एरो साइन के ले जाएंगे। मल्टीप्लीकेशन में जिसको मर्जी पहले या बाद में लिखने को फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास फॉर्म बन गई, अब 1/2 अंदर ले गए और 1/3 बाहर ले आए। अब बेटे दोनों ही आपने क्या देखा कि इतनी वैल्यू किसकी थी, केटी की थी, तो आपने केटी प्लेस कर दिया। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है, थ्री भी, तो ये सारे कांस्टेंट्स हैं। एक नया कांस्टेंट के डैश आ गया, इट मींस कांस्टेंट टेम्परेचर और मोल्स पे पी भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। चार्ल्स लॉ की डेरिवेशन ऑलमोस्ट बॉयल्स लॉ वाली ही है, स्टार्ट हम शुरू से ही कर रहे हैं, वही काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है टेम्परेचर से। एक मॉलिक्यूल के लिए 1/2 mc² बार है, एन के लिए nc² बार होगी, सेम सारा है बेटे, वही 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, देन रीअरेंज करके भी वही इक्वेशन बननी है। सिर्फ यहाँ यहाँ से आके चेंज है, क्योंकि चार्ल्स लॉ वॉल्यूम और टेम्परेचर का था, तो पी उधर जाके डिवाइड हो गया, पर ये सारे कांस्टेंट्स मिलके एक नया कांस्टेंट के डबल डैश आ गया, और टी उधर जाके डिवाइड, बी बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये चार्ल्स लॉ ड्राइव हो गया कि रेशो कांस्टेंट रहेगी अगर प्रेशर और मोल्स कांस्टेंट रहेंगे। एवोगैड्रोस लॉ के लिए पहले उसकी स्टेटमेंट पता होनी चाहिए कि अगर वॉल्यूम इक्वल होगा, टेम्परेचर प्रेशर सेम होगा, तो मॉलिक्यूल्स की तादाद भी सेम होगी। हमने दो गैसेस ली हैं, दोनों का प्रेशर और वॉल्यूम सेम है, इसीलिए हमने दोनों गैसेस के लिए पी वी लिखा है, पी वन वी वन नहीं लिखा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन वन है, मैसेज एम वन है, एम टू है, और वेलोसिटीज सी वन सी टू है। मतलब हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये मे भी डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम दोनों का सेम है, ठीक है। तो इट मीन्स 1/3 m1 n1 c1² और 1/3 m2 n2 c2² जब आपने इनको कंपेयर किया तो बेटे 1/3 से कट गया और ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब क्योंकि टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जीज भी सेम होंगी या इक्वल होंगी, और वो कितनी है, 1/2 mc² बार था। अगर गैस 1 है तो अब 1 1 कर देंगे, गैस 2 है तो 2 2 कर देंगे, 1/2 बेटे 1/2 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगी इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया तो बेटे c2 c2 से m2 m2 से c1 c1 से m1 m1 से कट गया, n1 = n2, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल प्रूव हो। नेक्स्ट है हमारे पास बेटे कंक्लूजन, ये निकला कि अगर वॉल्यूम इक्वल होगा, टेम्परेचर प्रेशर सेम होगा, तो मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। नेक्स्ट है ग्रहम्स लॉ, pv = 1/3 mnc² बार था हमारे पास, ठीक है बेटे। अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स 1 हो तो मॉलिक्यूल्स की तादाद एवोगैड्रोस नंबर हो जाती है, ठीक है। अब बेटे एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m है, ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर का मतलब है 1 मोल, और 1 मोल के मास को क्या बोलेंगे, मोलर मास। हमने यहाँ कैपिटल m कर दिया, m into na को कैपिटल m से रिप्लेस कर दिया। अब हमें c² बार की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हम पीछे पढ़ा है कि c² बार का स्क्वायर रूट रेट ऑफ डिफ्यूजन के प्रोपोर्शनल है, तो ये बेटे 3 उधर जाके मल्टीप्लाई और m उधर जाके डिवाइड, v को बेटे नीचे ला के डिवाइड कर दिया और स्केयर रूट ले लिया दोनों साइडों का। m बाई वी को हम d बोलते हैं, और c² बार का स्केयर रूट मैं पहले बता चुका हूँ कि रेट ऑफ डिफ्यूजन के प्रोपोर्शनल होता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इट मीन्स r = 3p/d, और ग्रहम्स लॉ में प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है, तो r inversely proportional to d, ग्रहम्स लॉ इज प्रूव्ड। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर अब हम करने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं, आपस में भी कोलाइड करते हैं, वॉल से भी कोलाइड करते हैं, और कोलिजन इलास्टिक होते हैं, ये हमने अजम्पशंस में पढ़ा हुआ है। ये भी हमने काइनेटिक थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि pv = 1/3 mnc² बार है, ई प्रेशर, वी वॉल्यूम, एम मास ऑफ वन मॉलिक्यूल और एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि c² बार क्या होती है, मीन स्केयर वेलोसिटी। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हमने वहाँ पढ़ी थी 1/2 mc² बार होती है, ठीक है बेटे। अब हमने इसी इक्वेशन में इसको एडजस्ट करना है, ए इक्वेशन में बी को, वही हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया अपने पास से इक्वेशन ए को। जब हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया बेटे, तो ये देखें, ये 1/2 और एम सी स्क्वेयर बार की वैल्यू तो हमारे पास ई के है, ये 2 को इधर ले जाएं, 3 को इधर ले जाएं, 2/3 हो जाएगा, इंटू 1/2 mc² बार n हो जाएगा। तो
उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास पी के है। अब अगर मोल्स वन हो तो मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या हो जाएगी, एवोगेड्रोस नंबर, तो 2/3 एन ए के हो गया। बेटे अब हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन वैसे तो होती है पी वी इजिकल टू एन आर टी, लेकिन वन मोल के लिए पी वी इजिकल टू आर टी, तो आपने पी वी की जगह पे आर टी प्लेस कर दिया, आर टी इजिकल टू 2/3 एन ए ई के हो गया। तो यहाँ से ई के की वैल्यू निकाल ली 3 RT/2 NA और टी ले जाके मल्टीप्लाई, ये सारे कॉन्स्टेंट है आर बी एन ए बी 3/2 B, मीन्स काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशनशिप प्रूव हो गया। एब्सोल्यूट टेम्परेचर और केल्विन स्केल टेम्परेचर जो गैस का होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के। होती तो गैस के मॉलिक्यूल में तीनों मोशन है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, लेकिन मेनली जो मोशन हो रही है वो कौन सी हो रही है, ट्रांसलेशनल। मीन्स जब टेम्परेचर चेंज होगा तो एक्चुअली क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन चेंज होगी। हमें पता है हीट हमेशा हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ मूव करती है, लेकिन जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो हॉटर बॉडी के मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी कुछ कोल्डर बॉडी के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर देते हैं। इसका मतलब है जब हीट फ्लो कर रही है तो बेसिकली एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और तब तक फ्लो करती रहेगी जब तक दोनों साइडों की काइनेटिक एनर्जीज इक्वलाइज नहीं हो जाती। गैसेस और लिक्विड में जो टेम्परेचर है वो उनकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है, होती तीनों मोशन है मेनली ट्रांसलेशनल होती है। सॉलिड में होती ही एक मोशन है, कौन सी, वाइब्रेशनल, इट मीन सॉलिड की जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी पे। नेक्स्ट है बेटे व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो हमने पढ़ा हुआ है कि वो टेम्परेचर है जहाँ पे मॉलिक्यूलर मोशन सीज कर जाती है, यानी वो टेम्परेचर जहाँ पे गैस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली जीरो होगा। एक्चुअली ये अनअटेनेबल है क्योंकि सारी रियल गैसेज इससे पहले ही लिक्विफाई या सॉलिडिफाई हो जाती है। जो रिसेंट अटेम्प्ट्स हैं उसमें आपको 10^-5 केल्विन तक टेम्परेचर मिला है। बच्चे के जहन में है कि जीरो केल्विन बढ़ाए या 10^-5, तो बेटे 10^-5 केल्विन जीरो केल्विन से बड़ी वैल्यू है, 0.001। मतलब ये है कि सारी वैल्यूज अभी जीरो नहीं हुई, जब सारी जीरोज हो जाएंगी तो फिर हम कहेंगे ये जीरो केल्विन है, तो अभी ये जीरो केल्विन से बड़ी वैल्यू है, हम इस तक नहीं पहुंच सके। नेक्स्ट इसके रिलेटेड बेटे पास पेपर्स के क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन है और ये पास पेपर में भी आया हुआ है कि प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट एट विच टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस विल बिकम ट्वाइस ऑफ व्हाट इट इज एट जीरो सेंटीग्रेड। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए बेटे याद रखें कि केल्विन स्केल में टेम्परेचर डबल करने से वॉल्यूम डबल होता है, तो जीरो सेंटीग्रेड का मतलब कितना हो गया, 273 केल्विन। 273 केल्विन को डबल करें तो कितना हो गया, 546 केल्विन। तो 546 केल्विन पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट एसटीपी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कब सेम होते हैं, जब वॉल्यूम सेम होता है। एवोगैड्रोस लॉ की स्टेटमेंट है कि इक्वल वॉल्यूम होना चाहिए, तो इस केस में वॉल्यूम इक्वल है, 280 क्यूबिक सेंटीमीटर है दोनों का, तो दोनों में मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन कौन से आए हुए हैं, ड्राइव एवोगैड्रोस लॉ फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी हमने कर लिया, ग्राहम्स लॉ हमने कर लिया, अजम्पशंस आ जाते हैं और ड्राइव बॉयल्स लॉ एंड ग्राहम्स लॉ फ्रॉम इट, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, या फिर काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर दे दें ये लॉन्ग में, या प्रूव कर दें पी वी इजल पी के इज इक्वल टू 3 RT/2 NA, ये शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। दैट्स ऑल बेटे, फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स यू हैव टू फॉलो द सिंपल 3 स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लाइक द वीडियो, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। Thank you. Allah Hafiz.